हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए आज ब्लॉगिंग लेट से चालू हुआ है, दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी खेत पे हैं हम लोग। देखिए सुदामा जी हैं, ये पुराने मैनेजर रह चुके हैं सुदामा जी हमारे खेत के, यही मैनेजमेंट संभालते थे पहले। और देखिए विनोद खाद लेके जा रहे हैं और खाद का छिटाई हो रहा है खेत में। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मैया भारत चैनल पर मेरा अपना ब्लॉग। देखिए विनोद ले जा रहे हैं खाद को, खाद छींटने के लिए, देख सकते हैं आप सब, खाद छिटाई हो रहा है और खाद छिटवा के फिर चलेंगे अपने सरसों वाले फॉर्म पे और वहाँ पे दिखाएंगे कैसा। देखिए गेहूँ कैसा है अभी फ़िलहाल उस समय से और अभी अभी की अपेक्षा गेहूँ कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, कैसा है फसल, कैसी है। और देखिए कैसी फसल है बताइए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जितना मैया भारत चैनल से जितने ज़्यादा जुड़े और उतने चैनल भी आगे बढ़ते जाए। नई वीडियो से हम रूबरू कराते रहेंगे, नए नए ब्लॉग बनाते रहेंगे दोस्तों, और नई नई जगहों पे जाते रहेंगे और ब्लॉग नए नए जगहों का पूरा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। और आप सब सुबह 7 बजे मैया भारत चैनल पे मेरा अपना ब्लॉग आप सब पर डे रोज़ाना देख सकते हैं दोस्तों। ब्लॉगिंग 2-4 दिन पहले का आता है पर डे, तो क्योंकि एक दिन गैपिंग भी हो जाएगा मानते हैं, तभी ब्लॉगिंग रेगुलर रहेगा, इसलिए 2-4 दिन पहले का ही ब्लॉगिंग चलता है। तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे आप सबका प्रेम मिलता है और प्रेम की अनुभूति होती है दोस्तों। देख सकते हैं आप सब, देखिए और सब बताइए हाल चाल कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मैया भारत चैनल पर मेरा अपना ब्लॉग। दोस्तों मैं शिवाजी पटेल, दोस्तों मैं आप सबको दूध में पानी की मिलावट के बारे में बता रहा हूँ, दूध में पानी का मिलावट है कि नहीं आप सबको दिखा रहा हूँ कि दूध में कैसे पता करेंगे पानी में मिलावट है कि नहीं। देखिए ये लैक्टोमीटर है, इस स्केल पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0 से 40 तक। अगर लैक्टोमीटर का पहले लैक्टोमीटर से चेक करें कि लैक्टोमीटर सही है कि नहीं है। देखिए पानी ठंडा है और इस पानी में लैक्टोमीटर को डालेंगे, देख सकते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर 0 पे दिखाई दे रहा होगा, ये स्केल है, लैक्टोमीटर आपको 0 पे दिखाई दे रहा होगा, एक आध पॉइंट ये मायने नहीं रखता है लेकिन 0 पे है। ये पानी का देखिए ऊपरी भाग है, इसको देखिए इसको ख़त्म करते हैं, देखिए अब दिखाई देगा आप सबको दोस्तों, लैक्टोमीटर एकदम 0 पे है, 1 पॉइंट ठंडा से थोड़ा हल्का ठंडा पानी है, ठंडे का मौसम है तो 0 पे देखिए 0 पर है। अब फिर इसमें दूध डालेंगे, पूछा पानी गिरा था हमें दूध डाल के इसे हिला के गिरा दो अपने बल्टी में हैं, नहीं दूध डाल के गिराओ ना, पानी का थोड़ा भी अंतर रही तो कम बेसी बतावे लगी। जो दूध चेक करके ना वो दूध डालो किन को यूट्यूब पर मेरा चैनल है, रोज ब्लॉगिंग 7 बजे आता है पर डे ब्लॉग बनता है।
कौन चेक करके, कौन चेक के लिए ला फैट? चलो चेक कर, हाँ वहीं चेक कर। पलटा देखिए, इस लैक्टोमीटर को ऐसे जो स्केल दिखाई दे रहा है 0 से लेके 40 तक, उस तरह धीरे धीरे छोड़ देना है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें कितना पर स्केल जाता है। देख सकते हैं ये 20 का लाइन है, 25 25 गिनेंगे, और जो एक लाइन दिखा रहा होगा 2500 का। ये नहीं, 25 का लाइन है, ये देख सकते हैं 25 है, और उसके बाद एक लाइन है, ये छोटी सी लाइन है 2500 है। देखिए ये 20 है, 20 है, देखिए दोस्तों ये 20 है, और ये छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही होंगी, जो छोटी लाइन है वो हाफ है, यानी कि देखिए इसमें कितना लाइन है, ये रेड लाइन होता है तो ये 25 हो गया, और नीचे 26 27 28, 28.5 का पैमाना है दोस्तों, 28.5 इसका। दोस्तों 28.5 इसका पैमाना है। अगर लैक्टोमीटर 10, इसमें 10 लाइनें होती हैं, 0 से 10 तक में 10 लाइनें होती हैं, छोटी लाइन मिला के 20 लाइन होती हैं, तो अब गिन लीजिए, अगर प्योर दूध होगा तो 27 लैक्टोमीटर से लेके 30 लैक्टोमीटर तक होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो दूध में पानी है। देखिए इस दूध को भी चेक करवाते हैं, इस दूध को चेक करो, इस दूध को देखिए दोस्तों, इसी दूध को मैं फिर मशीन पे चेक कराऊंगा। 28.5 के लगभग नियर अबाउट, थोड़ा अप डाउन जा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, उसके बारे में नहीं घबराना है। और देखिए फिर इस दूध को मैं चेक करा रहा हूँ कि इसके बारे में क्या पता चलता है, आप सबको तो रिजल्ट तुरंत मालूम चलेगा। देखिए दोस्तों मैंने बोला था 28.5, 28.4 लैक्टोमीटर है डेंसिटी, लैक्टोमीटर 28.4 है, तो समझ में आया। देखिए ये मशीनें सबको अफोर्ड करना अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इस मशीन का कीमत 35,000 है वही इस मशीन का कीमत, और ये अफोर्ड करना आप सबके बस की बात है। ये बढ़िया लैक्टोमीटर अगर चेक करते हैं तो 0 पे आना चाहिए, पहले लैक्टोमीटर जांच लें उसके बाद ही लैक्टोमीटर लें, और 0 पे अगर आता है तो समझ जाइए कि लैक्टोमीटर सही है, ये लैक्टोमीटर सही है, अन्यथा ये लैक्टोमीटर खराब है।
तो अगर दूध का पैमाना 27 लैक्टोमीटर से लेके अगर 30 तक जाता है दोस्तों, तो समझ जाइए कि दूध बेटर है, लेने लायक है, अन्यथा दूध को ना लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।